हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर वेट यानी वज़न का एक टॉपिक दिया गया है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो वज़न होता है वो किन कंडीशंस में बढ़ जाता है और किन कंडीशंस में घट जाता है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर वज़न की सारी कंडीशंस को नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि जब हम किसी लिफ्ट के अंदर होते हैं और वो लिफ्ट ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे आ रही होती है, तो उन कंडीशंस में जब हम लिफ्ट के अंदर होते हैं तो हमारे वज़न पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, मान के चलिए ये एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट को एक और नाम से जाना जाता है। लिफ्ट को ही हम क्या बोल देते हैं, लिफ्ट को ही हम बोल देते हैं एलिवेटर। तो दोस्तों, मान के चलिए ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर ये कोई पर्सन है। अब ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट किसी त्वरण ए के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है। त्वरण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एक्सीलेशन। एक्सीलेशन के साथ जब ये ऊपर जा रही है तब हमारे वजन पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या होगा, क्या हमारा वजन घटेगा या हमारा वजन बढ़ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको दूसरी लिफ्ट दिखाई दे रही है, दूसरा एलिवेटर दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या है कि यहाँ पर भी ए एक्सीलेशन है यानी ए त्वरण है, लेकिन ये लिफ्ट नीचे आ रही है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हमारे वज़न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि आपकी जो ये लिफ्ट है, जो ये एलिवेटर है, चाहे तो आप इसको ऊपर लेके जाओ, चाहे तो ये ऊपर जा रही है और चाहे ये नीचे आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो ए है, जो एक्सीलेशन है, जो त्वरण है, वो ज़ीरो है, यानी यहाँ पर जो वी है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियत है। हिंदी में अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो बदल नहीं रही है, यानी कि ये एक समान वेग से या तो ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है। तो इस कंडीशन में आपके वज़न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमको एक फोर्स के बारे में पढ़ना होगा, जिसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स, और हिंदी में कहा जाता है छदम बल। तो दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, स्यूडो फोर्स को समझना बहुत आसान है। जैसे कि मानिए कि आप हैं और आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त बाइक चलाने वाला है, यानी कि यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, ये कोई इस तरह से यहाँ पर बाइक है, ठीक है, हमने ऐसे ही कोई भी यहाँ पर एक बाइक बना ली। यहाँ पर क्या है, आपका दोस्त बैठा हुआ है और यहाँ पर पीछे आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, क्या होता है जब आपका दोस्त एकदम तेज़ी से एक्सीलेटर दबाता है, तेज़ी से क्या करता है, एक्सीलेटर दबाता है, यानी कि एकदम से उसको एक्सीलेट करता है, तब आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। कई बार अगर एक्सीलेटर तेज़ दबा देते हैं तो आप पीछे गिर जाते हो। तो दोस्तों, ये पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है, ये कौन सा फोर्स है और क्यों लगता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर मान के चलिए ये आपके सामने एक इमेज है, इसके अंदर ये कोई अंकल हैं जो कार को चला रहे हैं, अगर ये एकदम तेज़ी से इस कार का एक्सीलेटर दबाते हैं तो ये भी क्या महसूस करेंगे, ये भी अपने ऊपर एक पीछे की ओर फोर्स महसूस करेंगे। यानी कि अगर ये कार है और ये एकदम से उसके अंदर एक्सीलेटर को दबाते हैं, यानी उसके अंदर त्वरण उत्पन्न कराते हैं, एक्सीलेट करते हैं कार को, तो एक्सीलेट किस दिशा में कर रहे हैं, इधर की तरफ, तो ये क्या महसूस करेंगे, पीछे की ओर अपने ऊपर एक बल लगता हुआ महसूस करेंगे, जैसे इनको कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो, ठीक है। जैसे ये लिफ्ट है, ये एलिवेटर है, इस एलिवेटर में जब ये किसी ए एक्सीलेशन से ऊपर जा रही होती है तब क्या होता है, तब हमें कुछ भारीपन महसूस होता है, ऐसा भारीपन कि हमें कोई नीचे की तरफ खींच रहा हो, जैसे हमारा वजन बढ़ गया हो, कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। या फिर अगर ये लिफ्ट, ये इस कंडीशन में क्या थी, जो इसमें पहली वाली लिफ्ट थी, ये ऊपर जा रही थी, तो इसको क्या महसूस हो रहा था, जैसे इसे कोई नीचे खींच रहा हो। अब दोस्तों, जैसे ये लिफ्ट है, मान के चलिए दूसरी वाली जो लिफ्ट है ये नीचे को आ रही है, तो इसमें जो खड़ा आदमी होगा वो क्या महसूस करेगा, वो कुछ इस तरह से महसूस करेगा जैसे वो बिल्कुल हल्का हो गया हो, उसके अंदर वजन कम हो गया हो, जैसे वो हवा में उड़ रहा हो, ठीक है, यानी उसको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे में अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये जो बल महसूस करता है वो ऊपर की तरफ महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, महसूस कब करता है, जब ये लिफ्ट किसी एक्सीलेशन के साथ नीचे आ रही होती है या फिर ऊपर जा रही होती है, यानी कि त्वरण होना चाहिए। कई बार दोस्तों, इस बल को बोला जाता है मैजिकल फोर्स, ठीक है। दोस्तों, मैजिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सब लोग इसको फील करके क्या कहते हैं, ये एक तरह का मैजिक है।
लेकिन इसको हिंदी में जो नाम दिया गया है वो है छदम बल। ठीक है, अब दोस्तों ये सभी जो बल मैंने आपको बताए कि इस कार में ये जो आदमी बैठा था, जब इसने क्या किया, इस कार को त्वरित गति से आगे बढ़ाया, यानी कि इसके अंदर एक्सीलेशन कर दिया, तो इस पर पीछे की ओर एक फोर्स लगा। ऐसे ही यहाँ पर बाइक पर आप पीछे बैठे थे या बाइक पर जो भी बैठा था, अगर उसने तेजी से एक्सीलेटर दबाया तो उस पर भी पीछे की ओर बल लगा। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है स्यूडो फोर्स, यानी छदम बल। अब दोस्तों सिर्फ छदम बल में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली बात क्या कि छदम बल की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ पी से, क्योंकि ये क्या है, स्यूडो फोर्स, तो एफ पी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है कि जिस पर ये फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी जो इस फोर्स को फील कर रहा है, मान के चलिए ये कार में बैठे हुए अंकल इसको फील कर रहे हैं इस बल को, तो दोस्तों इनका जो मास होगा, इनका जो द्रव्यमान होगा, उसकी गुणा अगर हम करते हैं जिस सिस्टम के अंदर ये बैठे हैं, चाहे वो सिस्टम कार हो, चाहे वो सिस्टम मोटरसाइकिल हो, चाहे वो सिस्टम एक रेल हो, उसका जो एक्सीलेशन होगा उसकी मल्टीप्लाई से, तो एफ बराबर एम ए, समझ पाए, ये होता है स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला कह सकते हैं, स्यूडो फोर्स बराबर एम इंटू ए। यहाँ पर एम वो है जिसने, उसका मास है जिसने इस फोर्स को फील किया है, और ए जिस सिस्टम के अंदर वो बैठा है, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो, उसका जो एक्सीलेशन है, उसका जो त्वरण है। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो समझने वाली चीज़ है, वो समझने वाली चीज़ ये है कि ये आता कहाँ से है। तो दोस्तों ये जो आता है, ये आता है मास के कारण। मास किसका मास, उसी का मास जिसको ये फील हुआ है। जैसे इन अंकल को यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक बल महसूस हुआ जिसको हमने छदम बल कहा, तो ये छदम बल आया कहाँ से, ये इनके मास के कारण आया। दोस्तों आप लोगों को याद होगा मास की एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व का क्या नियम कहता है, जड़त्व ये कहता है कि अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई भी चीज़ है जो स्टेबल है, यानी कि विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में रहेगी। अगर वह किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी कि अगर वो गति कर रही है एक समान चाल से, एक समान वेग से, तो वो एक समान चाल से ही चलते रहना चाहेगी, उसको वो परिवर्तित नहीं होने दोगी। ठीक है, तो अगर आप उसमें परिवर्तन करते हो तो क्या होगा, आपको एक फोर्स महसूस होगा जो उसको इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो वही क्या होता है, जड़त्व होता है। तो दोस्तों अगर ये आदमी इस कार को मान लेते हैं वी वेग से चला रहा था, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो भी है, और इसके अंदर ये बैठा हुआ है खुद, तो इसका जो शरीर है वो भी वी वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने एक्सीलेटर को दबाया और इसकी जो वेलोसिटी थी उसको बढ़ा दिया। तो मान के चलते हैं इसकी जो वेलोसिटी नेक्स्ट ही टाइम बढ़ गई, वो वेलोसिटी बढ़ के ये हो गई वी प्लस डीवी। ठीक है, लेकिन इसका जो शरीर था वो तो वी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा था, तो उसने क्या किया कि भाई नहीं, जड़त्व क्या कहता है, वो मना करता है आपके अवस्था परिवर्तन को, तो उसने मना किया कि नहीं, आपको क्या करना है, उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ना है जिससे आप पहले बढ़ रहे थे। लेकिन ये कार क्या थी, इसके पास ज़्यादा फोर्स था, तो ये इसके आगे को बढ़ाती तो ले गई, लेकिन क्या होगा, थोड़ा इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन के कारण ही एक पीछे की तरफ जो बल महसूस होगा वो आपका स्यूडो फोर्स होगा। तो आप समझ पाए किसके किसके कारण होता है, आपके मास के कारण, और मास की एक प्रॉपर्टी होती है जड़त्व, उसके कारण। ठीक है, एक तीसरी चीज़ और कि इसकी दिशा किधर होती है, तो दोस्तों इसकी दिशा होती है जिस निकाय के अंदर आप बैठे हैं, जिस सिस्टम के आप अंदर बैठे हैं, उस सिस्टम की जो एक्सीलेशन की दिशा होगी। मान के चलिए हमारे पास सिस्टम है एक कार, और कार पूर्व दिशा की ओर एक्सीलेटेड है, यानी पूर्व दिशा की ओर किसी त्वरण के साथ बढ़ रही है, तो उसमें जो स्यूडो फोर्स लगेगा, जो इस स्यूडो फोर्स को फील करेगा, उस स्यूडो फोर्स की दिशा जो होगी वो जस्ट उसके अपोजिट होगी। बस दोस्तों इतना ही इसके अंदर समझने वाली चीज़ थी। अब हम देखते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है हमारी लिफ्ट के अंदर। दोस्तों एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर कहीं पर एक्सीलेशन ज़ीरो है, यानी कि वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंट है, यानी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तब आपको ये स्यूडो फोर्स फील नहीं होगा, आपको इस तरह का कोई छदम बल फील नहीं होगा। आप जिस गति से आगे बढ़ रहे थे और उसी गति से आपका जो सिस्टम है वो भी आगे बढ़ रहा है, तब कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं। जब एक्सीलेशन होता है तो जो आपका सिस्टम होता है वो तो तेज गति से स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन आप क्या होते हो, आप उसी स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो, तो इंटरेक्शन होता है और फोर्स फील होता है। लेकिन अगर एक्सीलेशन ज़ीरो हो, वी कॉन्स्टेंट हो, तो आपको ये फोर्स फील नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर चार लिफ्ट अलग अलग बना दी हैं, जिसमें जो पहली वाली लिफ्ट है वो किसी एक त्वरण के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है। ठीक है, मान के चलिए ये जो इसके अंदर आदमी है ये किसी वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, वेट मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक आपको और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा वेट मेज़र होता कैसे है। तो जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, आप किसी वेट मशीन के ऊपर खड़े हैं, तो आपका जो वेट होता है m इंटू जी होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। जब वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तो हमेशा न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि जितना बल आपने किसी वस्तु पर लगाया उसके विपरीत दिशा में वो वस्तु आप पर बल लगाती है। तो दोस्तों ये जो वेट मशीन है, इसकी जो सरफेस है, ये उतना ही फोर्स आपस आपको ऊपर की तरफ लगाएगी, और वो जो फोर्स होता है वही हमें रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे बल कौन सा लग रहा था, तो आपका जवाब होगा सर mg लग रहा था, और ऊपर मान के चलिए ऊपर इसने एक नेट फोर्स लगाया, और वही नेट फोर्स n बराबर mg के होता है, और वही n हमको दिखाई देता है जो हमारा वेट होता है। कई बार दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो वज़न तोलते हैं वो वज़न तो हम kg में तोलते हैं, लेकिन kg तो मास की यूनिट होती है। लेकिन दोस्तों आपको जो ये वज़न पता चलता है, सॉरी, ये आपको मास पता चलता है ना कि वेट। आपका मेज़र तो वेट ही होता है, लेकिन जिस जब आप इस पर तुलते हैं तो ये क्या करता है, आपका पहले वेट लेता है और उसमें से जी को कैंसिल कर देता है, और आपको जो दिखाता है वो आपका मास दिखाया जाता है। तो इसलिए आप इसको केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी क्या कह सकते हैं, हिंदी में तराजू आती हैं जो क्या करती हैं, आपके वेट को मेज़र करती हैं, लेकिन जो नॉर्मली ये यूज़ की जाती हैं इसमें आपका वेट पहले मेज़र किया जाता है, फिर ये अंदर ही अंदर जी को कैंसिल कर देती हैं और आपका मास आपको दिखाती हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना समझना है कि न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि आप जितना नीचे फोर्स लगाओगे उतना ही आपके ऊपर फोर्स लगेगा, बस इतना आप याद रखिए। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पर खड़े थे, तो दोस्तों ये जो लिफ्ट है ये किसी ए त्वरण के साथ ऊपर की ओर एक्सीलेटेड है। सबसे पहली बात कि नीचे की तरफ आप कौन सा फोर्स लगा रहे हो, तो आपका जवाब होगा सर हम एमजी फोर्स तो हमेशा लगाएंगे ही लगाएंगे, जो हमारा वेट होता है। बिल्कुल सही। अब दूसरा क्या कोई फोर्स लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये लिफ्ट जो है ये ऊपर ए त्वरण से बढ़ रही है, तो एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा जिसको हमने क्या बोला था, छदम बल बोला था। तो यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलेंगे m इंटू ए। ये a कौन सा है, ये a वो है जिससे ये लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है, और m आपका मास है। तो अब आप देखो कि नीचे की तरफ फोर्स कितने लगे, दो फोर्स लगे। इसीलिए आपको क्या फील होता है जब आप लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहे होते हैं, आपको ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो, मेरा वजन बढ़ गया हो। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आपका जो ये छदम बल है, जो स्यूडो फोर्स है, ये एक्स्ट्रा आपको नीचे की तरफ खींच रहा होता है। तो दोस्तों आपने अब इस तराजू के ऊपर, इस वेट मशीन के ऊपर कितना फोर्स लगाया, आपका जवाब होगा कि सर हमने ये टोटल फोर्स लगाया। तो इसके जस्ट अपोजिट में ये वेट मशीन जो आपको रीडिंग देगी वो कुल नेट फोर्स की देगी, यानी जो भी आप लोगों ने ये नेट फोर्स लगाया बिल्कुल उतना ही बराबर फोर्स आपको दिखाएगी रीडिंग के माध्यम से। तो ये एन बराबर किसके होगा, ये एन बराबर होगा एम जी के, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं, नीचे से लगाया गया बल और ऊपर से लगाया गया बल, तो ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ मेरा वज़न कितना होगा, जो कि n था, जो मुझे रीडिंग के माध्यम से पता चल रहा था, तो अगर मैं m कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर होगा g प्लस a। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, पहले मेरा वज़न केवल mg हुआ करता था, लेकिन अब जो ये एक्सीलेशन से, जिस एक्सीलेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, वो मेरा वज़न इसमें ऐड हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ पाए, अगर आप लिफ्ट से जब नीचे आ रहे होते हैं ए त्वरण के साथ, तो आप ऐसा फील करते हैं कि आप हल्के हो गए हैं, जैसे आपको कोई ऊपर हवा में खींच रहा हो। तो दोस्तों इसमें भी सेम है, आप यहाँ तराजू के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे की तरफ कौन सा बल लगता है, जो हमेशा mg लगता है। लेकिन दोस्तों इस बार ये जो लिफ्ट है ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि इसकी जो त्वरण की दिशा है वो नीचे है, तो यहाँ पर जो ma बल होगा, जो छदम बल होगा, जो स्यूडो फोर्स होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, और जो मेरा नेट फोर्स है जो तराजू दिखा रही है वो कितना है, वो n है। तो दोस्तों यहाँ पर n प्लस एम ए बराबर कितना होगा, एम जी के होगा। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लगाए गए सारे बल बराबर होंगे ऊपर की तरफ लगाए गए बल, जैसा कि न्यूटन कहता है तीसरे नियम के अनुसार। तो यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पर मैं नेट फोर्स की अगर बात करूँ, मेरा जो वजन जो मुझे वेट मशीन बताएगी वो क्या बताएगी, एम जी माइनस ए, यानी जिस एक्सीलेशन से ये लिफ्ट नीचे आ रही थी वही वाला एक्सीलेशन इस जी में से घट जाता है। तो दोस्तों आप देख पाए यहाँ पर मेरा वजन कम हो जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो और जो लिफ्ट है वो एक समान वेग से नीचे जा रही हो चाहे ऊपर जा रही हो, तो इस कंडीशन में मेरा वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मान के चलिए ये आपके पास कोई वेट मशीन है जिस पर एक नीचे की तरफ बल लगा रहे हो आप mg, और ऊपर जो ये वेट मशीन है ये नेट फोर्स आपको दिखा रही है। अब आप बताओ शूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि Pf की वैल्यू क्या होगी, m इंटू a की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो फ्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो नेट फोर्स होगा, जो मेरा वजन होगा, जो मेरा वेट होगा, वो बराबर होगा mg के, यानी कि यहाँ पर कोई भी ना मेरा वजन बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसे इस कंडीशन में जब लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जाए या फिर एक समान चाल से नीचे आए। यहाँ पर हमें चाल भी कह सकते हैं, चाहे वेग बोल दीजिए, क्योंकि वो सीधी आती है, ऐसा नहीं है कि घूम फिर के आएगी, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाला कोई ये वाला कोई मैटर नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। आपको बस क्या याद रखना है कि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो मेरा जो वेट होगा ना वो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है। एक कंडीशन दोस्तों और आपको याद रखनी है, ये लास्ट कंडीशन है, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, कि अगर ये लिफ्ट का ये जो पटा है, ये जो जंजीर है, अगर ये टूट जाए तो ये लिफ्ट क्या होगी, ये फ्री फॉल गिरेगी। हिंदी में कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, दोस्तों आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जब आप लिफ्ट के अंदर होते हैं और ये लिफ्ट की जो जंजीर होती है, जो पटा होता है, वो टूट जाता है, तो आपका वजन क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, जीरो, यानी कि ये भारहीनता वाला केस होता है। यानी यहाँ पर वेट बराबर एम जी, क्योंकि यहाँ पर एम कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी कि जी जीरो हो गया है क्या, दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर आपका जी जो होता है, स्मॉल जी जो होता है, ये जीरो नहीं होता है, इसके पीछे दूसरा ही रीज़न है, लेकिन नॉर्मली हम बोल देते हैं कि यहाँ पर जो भारहीनता वाला केस है उसके अंदर जी की वैल्यू जीरो है, इसलिए वेट जीरो है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, मैं आपको समझाता हूँ, दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए समझना क्या है कि जब यहाँ पर ये जंजीर टूट गई तो ये फ्री फॉल नीचे की ओर गिरेगी। अब दोस्तों फ्री फॉल जब ये नीचे की ओर गिरेगी तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में दोस्तों ये होगा कि आपकी जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि वो पृथ्वी के मास पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर और कैपिटल जी पर डिपेंड करती है, ना कि आपके मास पर, ठीक है। जब ये चीज़ टूट गई तो कैपिटल जी की वैल्यू इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं कर रही कि इस लिफ्ट का मास कितना है या आपका मास कितना है, वो इन सब पर डिपेंड नहीं करती है, वो सबके लिए बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो एक्सीलेशन लिफ्ट का होगा, जिस एक्सीलेशन से लिफ्ट नीचे आएगी उसी एक्सीलेशन से आप जो हैं वो भी नीचे आएंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी जो एक्सीलेशन है वो भी बराबर है, ये वेट मशीन है ये भी उसी एक्सीलेशन से नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पर तीनों के लिए एक्सीलेशन क्या होगा, सभी के लिए एक्सीलेशन बराबर होगा। तो ऐसे में अगर मैं नेट फोर्स की बात करता हूँ तो दोस्तों नेट फोर्स जो होगा वो होगा, जब हम नीचे आते हैं तो वो होता है mg माइनस a, जैसा कि हमने पीछे निकाला। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो g होता है इस a की वैल्यू बराबर होती है। ये g क्या था, आपने देखा ये g था जो हम लोग पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, ठीक है, ये g वो था। और ये जो a हमने यूज किया था, ये a क्या था, तो आपका जवाब होगा सर ये a था लिफ्ट का त्वरण, जिस त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही थी। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब ये फ्री फॉल गिरती है तो इस जी की वैल्यू और इस ए की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है एक्सेलेरेशन, जब ये फ्री फॉल गिरती है कोई भी चीज़ तो एक्सेलेरेशन आपके मास पर या इस पिंड के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ये लिफ्ट चाहे कितनी भी भारी हो, आप चाहे कितने भी हल्के हों, आप बराबर एक्सेलेरेशन से नीचे आएंगे। तो इस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो आप जी में अगर हम ए की जगह जी ही पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और हम क्या कहेंगे कि हमारा जो नेट फोर्स है, जो बल है जो इस वेट मशीन पर लगेगा, जो कि लगेगा ही नहीं, वो क्या होगा, जीरो होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वेट मशीन वजन कब बताएगी, वेट मशीन वजन कब बताएगी, जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे। और अगर ये भी समान एक्सेलेरेशन से और आप भी समान एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहे हो तो आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे नहीं, तो ये आपको ऊपर रिएक्शन कैसे बताएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको जो आपका फोर्स होगी वो जीरो बताएगी, क्योंकि आप इस पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी कि जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वजन बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, लेकिन क्या होना चाहिए, एक्सेलेशन होना चाहिए, यानी त्वरण होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको नोट पॉइंट जो भी हैं वो लिखे हुए दिखा देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट।
तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। तो पहला क्या है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब नीचे आती है तो जो पिंड है उसका भार कैसा होता है, घटता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि कम हो जाता है। लेकिन बहुत माइनर कम होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा लिफ्ट के एक्सीलेशन पर, यानी किस त्वरण से जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी एक्सीलेशन नहीं है। उसके बाद यदि नीचे उतरते समय पिंड लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड यानी कि फ्री पिंड की भांति नीचे गिरती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, और यही जो केस होता है ये क्या होता है, भारहीनता वाला केस होता है। अब दोस्तों एक लास्ट पॉइंट और बच जाता है, इसको भी आप लिख लेंगे कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा टकराएगा या लगेगा। तो दोस्तों जैसे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एलिवेटर है, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट में क्या हुआ कि हमने इसको इतनी तेज़ी से एक्सीलेट किया, इतनी तेज़ी से हमने इसको त्वरण दिया इस लिफ्ट को, कि ये जो लिफ्ट है ये नीचे आ रही है किसी त्वरण के साथ, और जो ये ए त्वरण है ये अधिक है इस जी से। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि आप जो यहाँ पर थे आप इस जी से नीचे की ओर आ रहे थे, लेकिन इस लिफ्ट ने क्या किया, इस लिफ्ट को इतनी तेज़ी से एक्सीलेट किया गया कि इस ए की वैल्यू इस जी से ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि ये जो आप हैं, मान के चलिए ये आप हैं, आपका जो गुरुत्व त्वरण है वो है जी, और ये जो लिफ्ट है ये तेज़ी से नीचे आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और इसकी ये वाली सरफेस से जा करके टकरा जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो लिफ्ट है ये बहुत तेज़ी से एक्सीलेट होकर के नीचे आ रही है, और आप उतनी तेज़ी से एक्सीलेट नहीं हो रहे हो, यानी कि जितनी तेज़ी से ये लिफ्ट एक्सीलेट हो रही है, यानी कि आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इससे कम एक्सीलेट हो रहे हो, तो आप कहाँ जाके चिपक जाओगे, ऊपर जाके टकरा जाओगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा, कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। और आपके नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी जल्दी अपलोड होंगे, ठीक है। जय हिंद, खुश रहो, ठीक है।